हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पेंडेमिक में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा फाइट किया होगा। ऊपर वाला आप सबको सेहत दे, आप बहुत बढ़िया से रहो, ज़िंदगी बढ़िया गुजरे आगे। और दुआ ये करते हैं कि ये पेंडेमिक जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। टाइम हो रहा है सुबह के 6। आज मूड हुआ निकल गए। सुना था चांदनी चौक बहुत अच्छा रेनोवेट हो रहा है, बहुत खूबसूरत तरीके से बना रहे हैं चांदनी चौक को, तो सोचा कुछ देख के आते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं चांदनी चौक कैसा हो गया है अभी, क्या दिखा रहे हैं। ट्रक ये काम चल रहा है, चलो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो रिस्टोरेशन हो रही है अभी, जो है चालू है अभी वो क्या। चलते और बारिश की वजह से यहाँ छोटा सा पूल टाइप का बन गया, और पानी भी शायद वहाँ कहीं पे पाइपलाइन फटी है इसलिए वहाँ पानी भी निकल रहा है बराबर। मैं हूँ अभी टाउन हॉल पे, बहुत फेमस जगह है चांदनी चौक टाउन हॉल, बहुत फेमस जगह है। और ये हमारे देश का तिरंगा शान से लहराता हुआ, चलिए आगे देखिए। सुबह का टाइम है, बंदर अपनी मौज कर रहे हैं पूरी। नीचे कर लेता हूँ भैया, कहीं कुछ समझ के अटैक पटैक ना कर जाए। अच्छा तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी गुरुद्वारा आशीषगंज साहिब के पास, जिस सामने आप देख सकते हैं गुरुद्वारा आशीषगंज साहिब है। और यहाँ से ऐसा सुना है कि आशीषगंज साहिब से और लाल किले तक बहुत अच्छे से रेनोवेट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, हल्का फुल्का टचिंग पचिंग का काम रह गया है, वही चल रहा है। तो चलो देखते हैं क्या रेनोवेट किया, कितना रेनोवेट किया। बीच में टाइल्स कुछ ऐसी आने वाली है, आगे चल के दिखाते हैं आगे जो कंप्लीट हो चुका है कैसा लगेगा। ये पीछे मेरे गुरुद्वारा आशीषगंज साहिब है, और यहाँ पीछे वहाँ पे भाई मतीदास म्यूजियम है, और सामने जो रोड जा रहा है वो सीधा रेलवे स्टेशन जा रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, रेनोवेट हुआ हुआ, अब देखते हैं आगे
कुछ भी कहो मौसम बहुत बढ़िया है और जबरदस्त मौसम है, एंजॉय करो यार। इस कम्युनिटी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है, किसी भी टाइम कभी भी आपको खाना अवेलेबल करा देंगे, बहुत बढ़िया से, सबसे बेस्ट कम्युनिटी है इस मामले में। गुरुद्वारे में भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये है भाई, कुछ हाल ऐसा होने वाला है आगे चांदनी चौक का। इतने खूबसूरत पॉट्स लगाए हुए हैं बड़े, बीच में प्लांटेशन, बढ़िया भाई वाह। ये जो पिलर थे मैंने बताया था, आगे चल के आपको पता लगेगा इसका क्या काम है। इसका काम ये है, अब बेसिकली इसका क्या काम है मुझे भी नहीं पता, हो सकता है बैठने के लिए बनाया हो, बंदे आए बैठ जाए। ये प्लांट लगाए जा रहे हैं, आने वाले 5-6 साल में ये पेड़ बन के बढ़िया से नजर आएंगे, जैसे यहाँ पहले हुआ करते थे। और सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगी यार, यहाँ की कितना बेहतरीन, कितना प्यारा बना रहे हैं। बंदा शॉपिंग कर रहा है यहीं पे, शॉपिंग करके आके बैठ जा रहा है, थोड़ी देर यहाँ बैठ गया, बेंच टाइप की बना रखी है, भाई साहब बैठे हैं, बहुत खूबसूरत। सामने जलेबी वाला लिखा है ना, ये सबसे मशहूर दुकान है जलेबी की। किसी दिन आऊँगा, अभी तो पेंडेमिक है सब बंद है, किसी दिन आऊँगा दिखाऊँगा आपको। रेड फोर्ट है लाल किला, आप देख पा रहे हैं। कुछ ऐसे साइन बोर्ड्स लगने वाले हैं भाई यहाँ, मुझे लग रहा है हर पुल पे, इससे आपको आसानी हो जाएगी दुकानें पहचानने में। वही वाह, साइन बोर्ड ऐसा कुछ पोल लगने वाले हैं, बहुत खूबसूरत। कुछ ऐसे हो जाएंगे ये साइन बोर्ड लगने के बाद, उस पोल पे लग जाएगा ये, कुछ अलग टाइप का है, वहाँ कुछ अलग टाइप का था, पता नहीं यार, लेकिन जो भी है अच्छा लगेगा ऐसा बनने के बाद। अच्छा एक बात समझ नहीं आई यार, आजकल कुछ चल रहा है ट्रेंड में, JEE नीट के पेपर्स बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पेपर होने नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ है कि पिटीशन चल रही है पेपर ना हो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है होना चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है होना चाहिए। यार दो सवाल हैं, ठीक है,
पहला सवाल यह है कि वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने 17 लाख से ज़्यादा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं और वो इच्छुक हैं कि वो देना चाहते हैं पेपर, तो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? वो कौन से बच्चे हैं जो नहीं चाहते कि वो पेपर दें, उसके बावजूद उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो पेपर दें? ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स मत करो यार, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। कोई बच्चा अगर पेपर देना चाह रहा है, वो 17 लाख बच्चे जो नीट के एग्ज़ाम में या JEE के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं पता पेंडेमिक चल रहा है, उनको नहीं पता वायरस है, पता है ना, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, तो उनका ऐसा लग रहा है कि उनका साल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इच्छुक है, गवर्नमेंट अपने जिम्मेदारी पे अगर कुछ काम करा रही है, क्या प्रॉब्लम है? और अगर कैंसिल ही होना है, कैंसिल करने के इच्छुक हैं, बच्चे चाह रहे हैं कि कैंसिल हो जाए, तो वो कौन लोग हैं भाई, कौन लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि कैंसिल हो जाए, उसके बावजूद 17 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड कर डाले? मत करो यार, पॉलिटिक्स मत करो इस सब पे, बच्चों के करियर की बात है भाई, ठीक है, इस पे तो न्यूट्रल रह के काम होना चाहिए। जो पेपर देना चाह रहे हैं पेपर दें, नहीं देना चाह रहे हैं नहीं दें, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सपोर्ट कीजिए थोड़ा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, नई नई जगहें देखने के लिए, फूड रिव्यू करने के लिए। अभी आगे मैं सोच रहा हूँ कुछ फूड वगैरह भी रिव्यू किया जाए, तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहेंगी अगर साथ में, तो ये पॉसिबल हो पाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली बार कुछ नए के साथ, कुछ नई चीज़ के साथ, कुछ नया लेके आएंगे।